हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल नवीन शिक्षा वन एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास थ्री सब्जेक्ट इज ई वी एस एंड टूडे एम प्रजेंटिंग यू द लेसन नंबर एट फ्लाइंग हाई सो लेट्स बिगिन आर वीडियो सी माई डियर किड्स कितने सारे इसमें आपको बर्ड्स नजर आ रही हैं अब देखिए बर्ड्स आपस में क्या बात करती हैं रीड देयर डायलॉग्स ओके ऑन माई हैड आई हैव अस्ट ऑन माई ऑल सी आई डांस द बेस्ट ऑफ माई फैदर्स आई एम प्राउड बिफोर द रेन आई क्राई क्राई अलाउड ये कौन कह रहा है पिकॉक तो हम पिकॉक कैसे पहचान रहे हैं क्योंकि उसके उसने कहा कि मेरे सर पर एक क्रस्ट है मीन्स ये जो जिसको हम बोलते हैं मुकुट है और दूसरा एक डांस बेस्ट ओके और उनके फैदर्स पर प्राउड है मीन्स दिस बर्ड इज पिकॉक लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल हाई अप इन द स्काई आई सेल आई पिक एंड ईट ऑल द माइस द ईगल इज वॉट यू कॉल मी तो आप इसको ईगल इसलिए पहचान सकते हैं इसको कि इसने कहा कि मैं बहुत ऊंचाई तक हवा में उठता हूँ और मैं सारे माइस को मतलब सारे चूहों को खा सकता हूँ नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं माई फेदर्स आ ग्रीन माई बीक रेड गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज तो इसमें तो बहुत सारे हमें क्लूज मिले हैं कि ग्रीन कलर है रेड बीक है उसको गुआवा चिलीज बहुत पसंद हैं वो आ, हमारी आवाज़ निकाल सकता है तो इसको हम कहेंगे पैरट ब्लैक आर माई फैदर्स एंड ब्लैक इज माई बीक काओ काओ आई डू ऑल द डे लॉन्ग तो इसकी तो हम कलर से उसकी आवाज़ यानी कि साउंड कहाँ कहाँ उसे पहचान लें कि ये क्रो है नाउ कम टू दिस पेज इसमें है कि कोयल इज माय साउंड एवरीवेयर आई फाउंड माय स्वीट वॉइस गिव मी फेम तो हम सबसे बोलते हैं ना कि सबसे मीठा कौन बोलती है कोयल तो ये कोयल अपने बारे में बता रही है डेड एनिमल्स आई डू ईट मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट हाई अप इन दर्ल्ड च

तो इसको हम पहचान सकते हैं पिंक पीक है इसकी फेदर्स ग्रे हैं और इसकी आवाज़ है गुटर गुद तो हम और ये अपना घोसला कहाँ बनाता है मोस्टली घरों में तो इसको हम कहेंगे पिजन माई बीक इज वेरी स्पेशल आई यूज इट लाइक अ निडल स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम द टेलर बर्ड इज हाउ आई एम नोन तो क्योंकि स्टिच कर रही है इसलिए हमने इसके नाम को रखा है टेलर बर्ड इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल आई मेक

डियर बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग तो ये कह रही है कि सारे बर्ड्स जो हैं अपने आप को प्रेस कर रहे हैं और अब शाउटिंग कर रहे हैं और ये कौन सी बर्ड है ये है बुलबुल द आउल दउल से बुल्लू वाई आर यू क्वेरलिंग वी ऑल आर स्पेशल इन अवर ओन वेज आर क्लॉज बीक्स एंड आर डिफरेंट येट वी ऑल आर बर्ड्स इफ वी ऑल लुक्ड लाइक वर्ड वी अगर हम सब एक जैसे होते एक जैसा खाना खाते एक जैसे हमारे कलर्स होते तो ये जो पूरा वर्ल्ड है पूरा संसार है ये कितना डल हो जाता तो आपको ये जो क्वेश्चन अपने आप लिखना होगी विच बर्थ मैं यू हैव सीन राइट देअ so, जितनी बर्ड्स आपने इस लिस्ट में पढ़ी है मैंशन की गई है उनके आप नाम यहाँ लिखेंगे ठीक है नाउ गो आउट साइड एंड लुक फॉर दर्ड्स इन एंड हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी आप अपने आस पास घरों के ग्राउंड पर आसमान में या आपके हर घर के पास कोई पौंड हो जस्ट वहाँ ऑब्जर्व कीजिए और आप फिर देखिए कि आपने कौन कौन सी बर्ड्स वहाँ देखी इन द टेबल राइट द नेम ऑफ दर्थ्स एंड टिक द प्लेस वेयर यू सो देम आप यहाँ बर्ड्स के नेम्स लिखेंगे उनको बताएंगे आपने उसको कहाँ देखा जैल एक डक को आप वाटर में देख सकते हैं ग्राउंड पर भी देख सकते हैं स्पैरो को आप कहाँ देंगे आप ट्रीज में हाउस में देख सकते हैं पैरोट को भी आप ट्री आप, आप, पर देखेंगे एंड कोयल को आप ऑन द ट्री देखेंगे क्रो को आप फ्लाई करते हुए देख सकते हैं ऑन द ट्री भी देख सकते हैं देट अप टू यू हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्थ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स अब हम उसका बीक पर आते हैं कि देखिए उसकी जो चोंच है वो हमेशा अलग अलग मिलेगी हर बर्ड की चोंच अपनी अलग होती है और हम चोंच से भी पहचान लेते हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सी बर्ड है लाइक हमने इन बर्ड्स को पहचाना ये पेरोट है क्रो है और ये पिकॉक है ठीक है नेक्स्ट देखिए ये हमारा ईगल है ये क्रेन है और यहाँ आपको एक बर्ड अपने पसंद से ड्रॉ करनी है उसकी पर्टिकुलर उसका बीक पार्ट ठीक है नाउ जस्ट एज बर्ड्स है ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जैसे उनकी बीक डिफरेंट होती है वैसे उनका खाना भी अलग होता है वाइल सम ईट्स फ्रूट सम ईट सी एग्स वाइल अदर्स इट्स फिश तो आप इसमें देखेंगे कौन सी एनिमल सॉरी कौन सा बर्ड कौन सी चीज को खा रहा है इट डिपेंडिंग अपॉन दर बीक पर और उनके फूड हैबिट्स पर उसको आपको मैच करना है वन आई हैव डन फॉर यू लाइक ईगल को मैंने आप Rat से यानी कि माइस से आपको मैच करके दिखा दिया है क्या आपको पता है कि सारी बर्ड्स अपने अपने हिसाब से से अलग अलग तरीके से उड़ती हैं और चलती हैं। देअर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर और उनके जो नेक का मूवमेंट है वो भी एक दूसरे से डिफर करता है द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ जर्क मीन्स मैना अपनी जो गर्दन है उसको आगे पीछे करती है जर्क के साथ में

तो ये हमारी बर्ड हमारी साउंड को इमिटेट कर रहा है इट मीन्स यहाँ जो ये वर्ड लिखा है दैट इज कोयल इज रॉन्ग यहाँ पर क्या आना चाहिए यहाँ पर आना चाहिए पैरोट पैरोट एक ऐसी बर्ड है जो हमारी साउंड को इमिटेट करती यानी कि हमारी नकल कर सकती है आपको उसका ही ड्रॉ करना है और उसका ही काम करना है देन यू हैव टू गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक और डिफरेंट आप उनके नेक के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी थ्री बर्ड्स कॉपी कीजिए उनके मूवमेंट्स को उनके नेक के मूवमेंट्स को और ट्राई टू इमिटेट देयर हैबिट्स अब आते हैं हम फेदर्स पर द फेदर्स ऑफ द बर्ड्स आर ऑल्सो डिफरेंट ऑफ कलर्स शेप्स एंड साइजेस जैसी बर्ड्स हैं उसके हिसाब से उनके फेदर्स मिलेंगे आपको पंख द फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू अब फेदर्स का काम क्या है कि उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनकी पूरी बॉडी को वो गर्म रखते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस और जैसे-जैसे टाइम जैसे होता रहता है तो बर्ड्स के पुराने फेदर्स जैसे हमारे बाल गिरते हैं शरीर से वैसे उनके फेदर्स गिरते रहते हैं और नए उनकी जगह पर आते रहते हैं मींस उनके फेदर्स भी चेंज होते हैं इसीलिए आप देखिए आप जब सड़क के किनारे जाते होंगे या पार्क में तो आपको बहुत सारे बर्ड्स के फेदर्स हवा में उड़ते हुए या किसी पेड़ के आसपास गिरे हुए नजर आते हैं यू यू मस्ट हैव ऑफन सीन बर्ड्स लाइंग अराउंड नाउ कलेक्ट द एंड जस्ट फाइंड आउट कि वो जो फेदर है वो किस बर्ड का है डिपेंडिंग अपॉन द शेप साइज कलर एंड अदर थिंग ओके नाउ अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई तो बर्ड्स के अलावा और कौन कौन फ्लाई कर सकता है लाइक like मैंने लिखा है मॉस्किटोस हाउस फ्लाईज बटरफ्लाईज ये सब फ्लाई कर सकते हैं तो कभी कभी हम उड़ने वाली आंट भी होते हैं जो उड़ने लगती है तो दैट यू कैन मेक आउट योर सेल्फ इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेर वुड यू लाइक टू गो वट एल्स वुड यू डू अगर आप बर्ड्स की तरह उड़ना जानते तो आप कहाँ जाते और आप क्या करना चाहते हैं तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा है because it is up to your imagination. आप इसको अपने मन से लिखेंगे ठीक है और अब हमने क्या करना है एक और की एक्टिविटी है इस और की एक्टिविटी में क्या बनाया गया है कॉक और आपको इसका फोल्डिंग्स बताया गया एंड देन यू कैन फाइंड लर्न रीड दिस स्टेप्स एंड यू कैन मेक आउट दिस कॉक एंड uh, तब आप इन्जॉय करेंगे कि यू कैन लर्न और ई गैमी ऑल्सो इन दिस लेसन तो इस लेसन में हमने बर्ड्स की डिफरेंट बर्ड्स के बारे में पढ़ा उनकी बीक्स को हमसे हम पहचान सकते हैं उनके फैदर से पहचान सकते हैं उनकी फूड हैबिट से पहचान सकते हैं तो हम उनकी इतनी सारी चीज़ें और उनकी लिविंग प्लेस से पहचान सकते हैं कि बर्ड्स हमारी कहाँ रहती हैं उनके साउंड से पहचान सकते हैं कि कौन सी बर्ड है ठीक है तो हम बर्ड्स के बारे में इस लेसन में बहुत सारी नई नॉलेज इकट्ठा किए हैं So, enjoy this lesson and read it again and find out something new and discover it. Thank you for watching it. Kindly like, share, and subscribe the video.